उत्तराखंड में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बन रही सुरंग में हुए हादसे के बाद जांच टीम का गठन किया गया है। निदेशक उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र की अध्यक्षता में टीम बनाई गई है। ये टीम हादसे की वजह पता लगाएगी और रिपोर्ट तैयार करेगी। सोमवार को सुरंग धस जाने से उसमें 40 मजदूर फंस गए थे, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बताया गया कि सुरंग में फंसे सभी मजदूर अभी सुरक्षित हैं। तो सोमवार को सुरंग धसने से 40 मजदूर उत्तराखंड में फंस गए थे और अब इसमें जांच टीम बनाई गई है। जांच टीम रिपोर्ट तैयार करेगी, उसके बाद रिपोर्ट पेश की जाएगी। लेकिन जो 40 मजदूर फंसे हुए थे सुरंग में, वो अभी सुरक्षित हैं। ये राहत की बात है, लेकिन जांच टीम बनी है कि क्या कारण रहे, कैसे अचानक से सुरंग धस जाती है जिसमें इतने मजदूर फंस जाते हैं।